दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी डिडवी डिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। भारतवर्ष की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर अमृत महोत्सव के पूरे देश और प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी बीच भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा शिमला के गेयटी थिएटर में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस आयोजन पूरे हिमाचल के लगभग 30 कवियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में विभिन्न भाषाओं में कवियों ने अपनी कविताएं पढ़ी। भाषा एवं संस्कृति विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज ललित ने कहा कि आज़ादी के आंदोलन में कवियों और साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती आई है। स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी थी। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे साहित्यकार और कवियों का योगदान समाज में उतना ही जरूरी है जितना उस समय था। जो कुछ घट रहा हो, जो कुछ कमियां समाज में हो, उनकी तरफ ध्यान आकर्षित कराना और लोगों को प्रेरित करना, यही एक सच्चे कवि का उद्देश्य होता है। इस सम्मेलन के माध्यम से उन कवियों को प्रोत्साहित करना व साहित्य को बढ़ावा देना है। भारतवर्ष की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में जो पूरे देश में और प्रदेश में आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से जो गतिविधियां की जा रही हैं, जो आयोजन किए जा रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज प्रदेश के भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा शिमला के गेयटी थिएटर में एक बहुभाषी कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन में पूरे प्रदेश के लगभग 30 कवि भाग ले रहे हैं, जो विभिन्न भाषाओं में, पहाड़ी भाषा में भी, हिंदी भाषा में भी अपनी कविताएं पढ़ेंगे और आज़ादी से, स्वतंत्रता से जुड़ी हुई इस उपलक्ष्य पर जो उनकी कविताएं हैं उसका आधार वो होगा, उसी उपलक्ष्य पर ये हो रहा है। जैसा हम जानते हैं, हमारी आज़ादी के आंदोलन में बहुत सारे कवियों, साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने लोगों को प्रेरित किया स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ने के लिए। बहुत से लोगों ने अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। आज भी हमारे साहित्यकार और कवि उसका जो योगदान है, उसका जो रोल है समाज में, वो उतना ही जरूरी है, उतना ही प्रासंगिक है कि वो समाज में जो कुछ घट रहा है, जो कुछ कुरीतियाँ समाज में हैं, उन सब की तरफ समाज का ध्यान आकर्षित करे और लोग को प्रेरित करे उनसे दूर हटने का, उनसे दूर जाने का। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज़ का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज़ फेसबुक पे और यूट्यूब।